दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके यूनिवर्सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी मून सिटी स्केप्स बिल्डर रिलिव द ग्लोरी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय काव्या होटल्स मऊरानीपुर एंड गैलेक्सी इंटीरियर डिजाइन झांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूं प्रियंका। वक्त हो चला है खबर फटाफट का। खबरों का सिलसिला शुरू करें से पहले ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए न्यूज वीक। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. Kavya Smart Residency, Mauranipur mein thehrne ka ek sarvottam sthan. Full AC rest house. शादी विवाह बर्थडे किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी पेट्रोल पंप के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और पहली खबर है झांसी से। झांसी के बबीना में हुई बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया करीब 1 करोड़ कीमत का अवैध गांजा। एसटीएफ बनारस एनसीबी लखनऊ की टीम ने झांसी की बबीना पुलिस के साथ की संयुक्त कार्रवाई। बबीना टोल प्लाजा से 2 हुए गिरफ्तार। झांसी जिलाधिकारी ने अंक सुधार परीक्षा की तैयारियां पर की चर्चा। सुचेता व नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के दिए दिशा निर्देश। जिले के 9 केंद्रों पर होगी 18 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक अंक सुधार परीक्षाएं। सीसीटीवी कैमरों में लैस होंगे परीक्षा केंद्र। झांसी उत्तर मध्य रेलवे मंडल द्वारा मनाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। चित्रा चौराहे से स्टेशन तक निकाली गई स्वच्छता जागरूकता रैली। झांसी DRM ने रैली में उपस्थित योद्धाओं को दिलाई स्वच्छता की शपथ। झांसी में आज स्वतंत्रता सेनानी पूर्व विधायक रामनाथ खेरा की जयंती स्मृति समारोह का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता विजय खेरा द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रीता जोशी यही मौजूद। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद रीता जोशी ने झांसी के सर्किट हाउस में की पत्रकारों से वार्ता। गांधी परिवार पर कसा बड़ा तंज। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटों से ज्यादा नहीं मिल पाने की कही बात। झांसी के मऊरानीपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाली युवतियां हुई गिरफ्तार। पुलिस ने संबंधित मामलों में किया मामला दर्ज। किसान नेता अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने सजारी खुर्द में लगाई विशाल किसान पंचायत। 24 घंटे के अंदर विद्युत ट्रांसफॉर्मर बदलने की उठाई मांग। समस्या का निस्तारण न होने पर बिजली विभाग के घेराव करने की दी चेतावनी। इरस के ग्राम स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने की गणेश मूर्ति की पूजा। गाजेबाजी के साथ किया गणेश मूर्ति का विसर्जन। नन्हे मुन्ने भक्तगणों में दिखी खुशी। झांसी के टहरौली में किसानों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फसलों के बर्बाद होने की कही बात। खेतों का सर्वे कराकर सरकार से मुआवजे की उठाई मांग। अब खबरें कुछ जालौन से। घर के अंदर जुआ खेल रहे जुआरियों पर चला कानूनी हंटर। 8 जुआरी से बरामद किए गए 54,120 रुपए की गई विधिक कार्रवाई। जालौन नगर क्षेत्र का है मामला। तहसील में कार्यरत बाबू पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तहसील जाकर बाबू को धमकाया। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उरई तहसील का है मामला। देर रात शराब पीकर आपस में झगड़ते हुए शराबियों ने कोतवाली में काटा हंगामा। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उरई कोतवाली का है मामला। कोरोना संक्रमण के बाद खुले स्कूल के बच्चों के हाथों में किताब की जगह थमाई झाड़ू। डबौर ब्लॉक के कंकरखेड़ा प्राथमिक विद्यालय का है मामला। सरकारी शिक्षकों की लापरवाही आई सामने, जो बच्चों का भविष्य डाल रहे हैं खतरे में। DIG झांसी ने की जोन के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक। अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक जालौन ने 2 शस्त्र लाइसेंस के निरस्त। संबंधित थाने को भेजे कार्रवाई करने के निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने एक और अपराधी को किया जिला बदर। माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है मामला। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत जारी है महिलाओं को जागरूक करने का सिलसिला। महिलाएं व बेटियों को स्वावलंबी और
सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। पिछले दिनों आई बाढ़ के बाद उच्च स्थान पर रह रहे लोगों के लिए लगातार हो रही बारिश फिर से बनी है मुसीबत। आटा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया एक और वारंटी, गिरफ्तार कर भेजा जेल, जांच की शुरू। तो ये थी आज की कुछ खास ताजा खबरें खबर फटाफट में। कल फिर इसी समय होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।